हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। नालागढ़ के दत्तोपाल में रविवार सुबह जब ग्रामीणों ने तालाब से प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मछलियां ले जाते हुए देखा तो ग्रामीणों ने जब तालाब में जाकर देखा तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में मछलियों को मरा पाया। तालाब में इतनी संख्या में मरी हुई मछलियों को तैरते देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि किसी शरारती तत्व द्वारा तालाब में जहरीला पानी डाल दिया है जिससे तालाब का पानी जहरीला हो गया, जबकि आज से पहले कभी भी इस तालाब में कोई भी मछली नहीं मरी है, ऐसा पहली बार ही हुआ है। इस तालाब में हाल ही में पंचायत द्वारा सफाई करवाई गई थी। देखने से ये लग रहा है कि आसपास के रिहायशी इलाकों के लोग यहाँ पर मछलियों को आटा देने आते हैं जिसके चलते मछलियाँ मरी हैं, या फिर गर्मी पड़ने के कारण तालाब में पानी सूख जाने के चलते भी ये मछलियाँ मर सकती हैं। प्रधान ने कहा कि उनके द्वारा प्रशासन को इस बारे में सूचित कर दिया गया है, मछलियों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा जिसके बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकता है। छोटू राम जी, ग्राम पंचायत रड़ेवाली के प्रधान छोटू राम प्रधान हूँ। ये जो मछली मरी है जी, ये कल शाम को बिल्कुल ठीक थी, हूँ ये इस कारण का पता नहीं, अभी पानी की कमी करके कि गर्मी की वजह से कभी नहीं सर हुई ऐसी नहीं। पीछे मेरे घर 2 महीने हमने पूरी पहले सफाई कराई, इस अब बरसात की वजह से फिर होगी, फिर करा देंगे सारी साफ सफाई। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे आटा ज़्यादा डालते हैं, गोलियाँ वगैरह ये कॉलोनी से आते बाहर से जो भी है खाने की वजह से भी कई बार हो सकता है। देखो ये तो अब डॉक्टर साहब बता सकते हैं क्या उनसी प्रॉब्लम इनको होगी। अरे नहीं सर, मतलब सुबह ही अभी सूचित हुआ, अभी मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा। उज्ज्वल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।